तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं की बच्ची, बड़ी जोर की आवाज आई, क्या हुआ? इधर आओ। कुछ नहीं आंटी, वो बस मुझे चक्कर आ गया था। चक्कर? चक्कर कैसे आ गया था? मैंने नाश्ता नहीं किया था, मुझे बहुत भूख लग रही थी। क्या, तुमने नाश्ता नहीं किया और ये सारे काम नाश्ते के बगैर कर रही थी? जी। तो तुम नाश्ता करके क्यों नहीं आई घर से? हाँ, नरगिस आंटी ने कहा था कि मैं आपके आके नाश्ता कर लूंगी। ये सारे ना काम करने के बहाने हैं तुम्हारे। जाओ अपने घर जाओ, मुझे मुसीबत में नहीं डाल देना, और कल नाश्ता कर कर आना। सुना? यार तुमने आज खाना बहुत मजेदार बनाया है। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि ऐसा खाना मैंने पहली दफा बनाया है। तुम तो बुरा ही मान गई यार। बुरा नहीं मानूंगी, अच्छा खाना बनाया। जैसे रोज ना मैं खराब खाना बनाती हूँ। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ लग रहा है मुझे? नहीं कुछ नहीं। नरगिस से बात हुई जाने की? हाँ हुई थी। पहले तो खुशी खुशी उसने हाँ कह दिया, जैसे मैंने कहा ना कि समीरा और उसके भाई बहनों को साथ ले जाएंगे तो उसने मना कर दिया। इसका मतलब तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। मैं उस पे बहुत गुस्सा हूँ। अरे यार, बाज़ औक़ात जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ? कई हफ्ते तक कहीं नहीं जा सकता, ओवर टाइम लगाना पड़ेगा ऑफिस में। तो क्या अब हम पिकनिक में नहीं जाएंगे? नहीं, अगले महीने चलेंगे ना। अच्छा बाबा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें अभी खाना खा के शॉपिंग पे ले जाता हूँ, प्रॉमिस। क्या सच्ची? एकदम सच। हाँ ठीक है, खाओ, जल्दी खाओ ना, लो और लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे पहचानती हो? डर के सुना तुम, जिसने मुझे जहर दिया था। अरे छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं कहती छोड़ो, छोड़ी थी वो भैया। नहीं, मैं वहां थी, मैं वहां चली गई, अभी तो यहाँ थी वो। बेटा, अनन के खौफ ने ना मुझे परेशान कर रखा है। बेटा शुक्र है अम्मा कि ये ख्वाब था। अच्छा अब तो सो जा बेटा। नहीं नहीं अम्मा, अरे वो अनम फिर से आ जाएगी, मैं उस ख्वाब में वापस नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं सोना। अच्छा मैं हूं ना तेरे पास, मेरे पास सो। क्या तुम्हें हंस रहे ना? मैरिल, मुझे घर जाना जरूरी है, ऐसे करो तुम भी घर चलो, थोड़ा आराम भी कर लेना। मुनव्वर को इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ घर जाने? यहाँ डॉक्टर्स हैं ना, तुमने क्या करना है, एक दो घंटे आराम करना फिर आ जाना। फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम ऐसा करो अहमर को घर ले जाओ, थोड़ी देर आराम कर लेगा। नहीं अम्मा, मैं नहीं आपको छोड़ के जाऊँगा, पर तुम्हें आपको कब की चीज की जरूरत पड़ जाए? बेटा हॉस्पिटल में सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बेटा मैरिल ठीक कह रही है,
आप मेरे साथ घर चलो, कब से यहाँ थक रहे हो? आप अभी फौरी तौर पे ये रकम अकाउंट में जमा करवाएं। 50,000 रुपये? जी, ये तो डिपार्टमेंट ने पेशेंट के अलग देखकर लगता नहीं ये रकम भी पूरी होगी। मजीद रकम का इंतजाम करें। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? 2 दिन पहले तो तुम्हारी 50,000 की कमेटी निकली थी ना, वो तो होगी। फरजाना, वो तो है मेरे पास, लेकिन और पैसों की जरूरत पड़ी तो कहाँ से लाऊंगी? अभी तो तुम ये रकम जमा करवाओ, हो सकता है बाद में जरूरत ही ना पड़े और मुनव्वर भाई अच्छे हो जाएं। अल्लाह करे। चलो अच्छा, तुम घर चलो, थोड़ा आराम भी कर लेना और पैसे भी ले लेना। चलो। अरे फरूख, अरे नरगिस बाजी, तुम, अरे ये बताओ दुकान कैसी चल रही है तुम्हारी? अरे दुकान कहाँ चल रही है, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। अरे फरूख, मुझसे तो अटकेलियां मत करो। रहने दे नरगिस बाजी, मेरा आपसे कोई मजाक है क्या? अरे मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारी दुकान में कोई जगह है क्या? हाँ जगह तो है, लेकिन मुझे दुकान का सामान रखवाना है। तुम्हें क्या रखवाना है? अरे मुझे कोई सामान नहीं रखवाना, एक लड़के को रखवाना है। मैंने सोचा तुम्हें कोई मदद की जरूरत होगी तो उसको भी भला हो जाएगा ना। हाल फिलहाल मैं अपनी दुकान के लिए खुद ठीक हूँ, तुम किसे रखवाने की बात कर रही हो? वो मर गई है ना, उसके बेटे को, यतीम है ना बेचारा। ओ तुम वो रोहान की बात कर रही हो? हाँ उसी की बात कर रही हूँ, मुफ्त में रोटियां तोड़ रहा है, मैंने सोचा काम पे लगा दूं। आए मैं तो समझा तुम अपने बेटी रईस की बात कर रही हो। अरे चल, वो तो अभी पढ़ रहा है, वो क्यों करेगा काम? रहने दो बाजी, उसका पढ़ने लिखने से क्या ताल्लुक, पढ़ लिख के उसे कौन से तीर लगा देने, मैंने उसका रिजल्ट देख लिया है। अच्छा ठीक है ठीक है, उसकी पढ़ाई के लिए तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। वैसे बाजी रोहान के लिए भी कुछ सोच लो, उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? उसका भी दाखला करवा दो स्कूल में। ये मैं क्यों खराब करूंगी उसकी जिंदगी? उसकी जिंदगी तो उसकी माँ ने खराब की अपनी हरकतों की वजह से। बस रहने दो बाजी, उसका इंतकाल हो चुका है और जिन लोगों का इंतकाल हो जाता है उनके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। जो जैसा होता है ना उसके लिए वैसी बात की जाती है। और हाँ सुनो, अगर दुकान पे कोई जगह हो तो मुझे बता देना। अच्छा ठीक है, बता दूंगा। क्या हुआ शम्स, नरेश से केस के बारे में कोई बात नहीं हुई क्या थाने में? हाँ हुई थी, एक नया ऑफिसर आया, ट्रांसफर हो गया। जितने भी मर्डर और खुदकुशी के केसेस हैं उनकी दोबारा से तफ्तीश करवा रहा है। शम्स, अगर आपको इस केस में कोई मसला नजर आ रहा है तो अनम की फाइल ही गायब करवा दें। नई बात कर दी तुमने, नरगिस के कहने पे वो फाइल पहले ही मैं गायब करवा चुका हूँ, इसीलिए परेशान रहा। नरगिस के कहने पे? उसे क्या जरूरत पड़ गई फाइल गायब करवाने की? ये तो अब उसे ही पता होगा, ना मुझे इस बारे में कुछ इल्म है और ना मैं जानना चाह रहा हूँ। बिला वजह तुम्हारी दोस्त की वजह से फंसा हुआ इस केस में। हाँ शम्स, नरगिस का फोन आया था, वो आपसे बात करना चाह रही थी, तो अगर आप बोले तो बात करवा दूं आपकी। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, उसी की वजह से परेशान हूँ, उसका नाम मेरे सामने मत लो।
अहमर बेटा रात का सालन निकालो, फ्रिज से मैं आ रही। कितना अच्छा हुआ था मैंने 50,000 की कमेटी डाल ली थी, क्या पता था किस काम में आएगी। मुनव्वर तो मुझे मना ही कर रहे थे कि कमेटी ना डालो। मुझे भूख नहीं है, सालन गरम करती हूँ, तुम अपने लिए रोटियां ले आओ। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरी तो भूख ही मर गई है बेटा, मेरे अलग से एक भी निवाला नहीं उतरेगा। बार बार मुनव्वर का चेहरा मेरी नजरों के सामने आता रहता है। मम्मा अबू ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, वैसे भी अल्लाह मियाँ बच्चों की दुआएं जल्दी सुन, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा मैं रोटियां लेने जा रहा हूँ, पैसे पर्स से निकाल, मैं सालन गरम करती हूँ। आप भी खाएंगी? हाँ। बोले ये क्या तू अपने हुजरे में बैठा रहता है, बाहर निकला कर कोई काम शाम किया कर। आप जो बोलती है मैं करता तो हूँ, बोले क्या काम है? ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, चल मेरे साथ तुझे काम पे बिठाना है। हट आराम कहीं का, इस घर का सारा काम मैं और मेरी बहनें करती हैं। हट आराम कह रहे तो रईस को बोले। मेरे बेटे को हड्डराम बोल रहे, देखा रहे जिसको मारू ना तो और क्या करूं? तो कुछ गलत भी नहीं कह रहा, चल छोड़ से। बस अम्मा मैंने फैसला कर लिया है, आज और अभी इसी वक्त तो काम पर जाकर बिठाते हैं। चल मेरे साथ, चल चल मेरे साथ, चल चल। नरगिस तुझे अपने अंजाम का नहीं पता क्या होने वाला है। चल समझ रहे ना, इधर भेजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयूब भाई वही लड़का है ना, मैं काम की बात करके गई थी ना, इसी काम पे लगवाना है। अच्छा ये वो, आप एक काम कर लोगे? अब पहले कभी किया तो नहीं है लेकिन जो बोलेंगे कर लूंगा। अरे सब कर लेगा अयूब भाई, एक रुपया भी इसके हाथ में नहीं रखना,
अरे पैसे आपने मेरे हवाले करने हैं, समझ गए ना? मैं समझ गया। ओ जिदे, ओ पानी लेने गया, उधर ही मर गया। लगा के काम कर, चल मैं जा रही। लगा के काम बेल के नट बोल्ट टाइट कर। ये उस्ताद ले जा इसको, इसके नट बोल्ट टाइट कर। चल। अबे चलना क्या देख रहा है? क्या हुआ सिद्रा, तुम रो रही हो? और रुहान कहाँ है? समीरा, आंटी ने रुहान भाई को बहुत मारा और ना जाने पता नहीं कहाँ ले गई है। क्या रुहान को मारा है? और वो कहाँ लेकर गई है, तुमने पूछा नहीं? नहीं समीरा, मुझे बहुत डर लग रहा था। इसमें क्या है? इसमें हलवा पूरी है। हलवा पूरी मैं खा लूं? तुम मुंह धो करो, बल्कि एक काम करो, तुम मुंह धो लो, मैं बर्तन लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। सुद्रा नानी कहाँ है? नानी अपने कमरे में सो रही है और नेहा और रईस अभी तक स्कूल से नहीं आए। अच्छा फिर तुम जल्दी से खा लो हलवा पूरी, इससे पहले नरगिस आंटी आ जाए और वो पूरी हलवा पूरी ले ले और तुम्हें कुछ ना मिले। समीरा मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, बाद में मुंह धो लूंगी। बस जल्दी से तुम मुंह धोकर आओ, तुम्हारा मुंह आंसुओं से खराब हो रहा है। चलो मैं बर्तन भी लेकर आती हूँ। राजू उस्ताद, ठंडे दूध को फूके मारता रहता है यार। वो ये जो बच्चा है ना रुहान, हाँ आया, मुझे लगता है कि ये कोई परेशानी में है। खैर तू ऐसा करके इसको कोई अपनी शर्ट दे दे, गरीब बच्चा लगता है। हाँ उस्ताद मेरे पास पड़ी है, मैं दे देता हूँ, मसला नहीं। हाँ तो जल्दी जा, नेकी करने में देर नहीं करते। समीरा हलवा पूरी बहुत मजे की है लेकिन ठंडी है, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ रुहान होता तो वो भी खा लेता। कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरे सांगी घर पर नहीं और मैं मजे से हलवा पूरी खा रही हूँ। अच्छा तुम जल्दी से खा लो, ऐसा ना हो कि वो आ जाए और हमारी हलवा पूरी लेकर खुद खा जाए। वो मैं रुहान भाई के लिए रखूं? नहीं सिद्रा, तुमसे जितनी खाई जा रही है तुम खाओ। वैसे भी नरगिस आंटी होगी ना रुहान के साथ, वो उसे नहीं खाने देंगी। नानी नरगिस आंटी को बता देंगी कि हमने हलवा पूरी खाई है। नानी तो सो रही है ना। सिद्रा, सिद्रा, लगता है नानी यही आ रही है। अच्छा है, वो भी खा लेंगी। अरे क्या खा रही हो तुम दोनों है? नहीं नानी मैं नहीं खा रही, सिद्रा खा रही हलवा पूरी। ये बताओ कि ये लाया कौन है? ये मैं लेकर आई हूँ, हैदर अंकल ने दी थी। अच्छा अच्छा अबे चल जाओ, कर्नल साहब ने आने उनकी गाड़ी चेक कर। अबे ये बता जो समझा रहा है तेरे को समझ में आ रहा है ना? जी उस्ताद, वो शीदे ने समझा दिया। अरे जो समझाया उसको समझ, मैं बिठा के पैसे देने का आदी नहीं हूँ। और मुझे याद आया तुझे कौन सा पैसे मिलने वाले हैं। सारे पैसे तो वो ले जाएगी जिस औरत ने तुझे यहाँ पे रखवाए। अभी अब खड़ा खड़ा सोच ही आ रहा है, जा एक दूध पत्ती चाय और दो पान ले जा। अरे जाना, क्या सोच रहा है, क्या तुझे शीदे ने समझा दिया? अबे ओ शीदे, क्या समझा दिया छोकरे को? ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। शम्स, आपकी बात हुई क्या नरगिस से? हाँ हुई थी, अपने केस के बारे में बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। इसे मालूम चल गया उसका केस रीओपन हो रहा है। ये तो आप मुझे पहले भी बता चुके।
हम तो भाई जो सच है वही बताया, क्या कर सकता हूँ। मेरी समझ में एक ये बात नहीं आ रही कि नरगिस इस मामले को लेकर क्यों इतनी परेशान है। भाई उसके शौहर और सुल्तान के कत्ल का मामला है, परेशान होना तो बनता है। लेकिन शम्स जब उसका कत्ल से खुदकुशी से कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो परेशान होना मेरी समझ से बाहर है। साथ ये है तुम्हारी, ताल्लुक बनने में कौन सा वक्त लगता है? क्या मतलब? कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनका मतलब इंसान ना ही समझे तो बेहतर होता है। अच्छा खैर छोड़ो, क्या घर को भी थाना बनाओगी? सारा दिन केस में यूं ही सर खपाता हूं। अब जाहिर है मेरी सहेली का केस है तो मुझे तो इंटरेस्ट लेना ही है ना। अम्मा, अम्मा किधर हो तुम? है सामने बैठी हूँ, नजर नहीं आ रही क्या? अरे अम्मा मैं बड़ी खुश हूँ आज। हैं, किस बात पे खुश है भाई? ये अम्मा रोहान को काम पे बिठा दिया। ये तो बड़ी खुशी की बात है, कितने पैसे मिलेंगे? 100 रुपए रोजाना पे बिठाया यूं भाई ने। ये तो बड़ी खुशी की बात है। किसे ढूंढ रही है? ये सिद्रा कहाँ है? अपने कमरे में, स्टोर में और कहाँ? समीरा आ गई वापस? हाँ आई भी थी और हमें हलवा पूरी भी खिलाया भाई। हलवा पूरी? हाँ हाँ हलवा पूरी। पैसे कहाँ से आए हलवा पूरी के? कह रही थी हैदर ने दिए। समीरा, ओ समीरा इधर आ। छोड़ो समीरा, वो छोड़ेल आंटी तुम्हें फिर से मारेंगी। नहीं सिद्रा, अगर मैं नहीं गई ना वो फिर भी मारेंगी, और मुझे रोहान का भी तो पूछना है ना। अच्छा फिर जाओ, मैं आती हूँ। बहरी हो गई है? जी आंटी। ये बता हलवा पूरी कहाँ से आए और पैसे कहाँ से लाई थी? वो तो मुझे अंकल ने दी थी। सच बोल रही है या झूठ? मैं सच बोल रही हूँ, आप हैदर अंकल से फोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जा मेरे लिए पानी लेकर आ। जी। शुक्र है अम्मा, अब आमदनी बेहतर होगी। मैं अपने रईस और नेहा को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कराऊंगी पढ़ाई के लिए। वो आंटी रोहान किधर है? तू क्यों पूछ रही है? रोहान मेरा भाई है, मुझे पता होना चाहिए वो कहाँ है। तेरी इतनी जुरत, जुबान चलाने लग गई है। लगाओ। नरगिस क्या हो गया है तुझे? है? दिमाग खराब हो गया तेरा? बच्ची है, जरा सा पूछ लिया तो क्या हो गया? जा समीरा अपने कमरे में जा। क्या हो गया नरगिस तुझे? हैं? बात बात पे बच्चों को डांटती है, हाथ उठाती है उनपे, हैं? बगैर किसी वजह के। अम्मा तू देख नहीं रही कितनी जुबान चलने लगी इन लोगों की? जुबान चलने लगी है। क्या हुआ समीरा? मैंने कहा था ना वो चुड़ैल आंटी तुम्हें मारेंगी। हाँ सिद्रा, वो मुझे मारने वाली थी, लेकिन नानी नानी ने मुझे बचा लिया। चलो अच्छा है। अच्छा ये बताओ रोहान भाई कब तक आएंगे? पता नहीं सिद्रा, हमें तो बस रोहान का इंतजार करना पड़ेगा। अबे टैंकी को लेके जाइयो, दरवाजे के अंदर ही रखियो। चुरान ये अबे करार है। जी उस्ताद जी, ये ले। इकबाल के होटल से लाया ना? वाह। अच्छा उस्ताद अब मैं जाऊं? जाऊं अबे, वो माँ थोड़ा सा काम रहता है, मैं वो खत्म कर दे। हाँ जा। अरे यहाँ पैर दबा मेरे पैर। और वो भी मैं? हाँ, तू क्या नवाब की औलाद है क्या? तू नहीं दबाएगा तो क्या तेरा बाप दबाएगा मेरे पैर? देखिए आपको जो बात करनी है मुझ तक करें, मेरे बाप तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। ओए, क्या गवर्नर की औलाद है क्या?
नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता का बच्चा? अच्छा नहीं लगता तो जाके कोई ब्यूटी पार्लर में जॉब करो, मैकेनिक बनने आए, अच्छा नहीं लगता। ओ छोटे, फरीदा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे तुम? बोलो, ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम्हें लगता है कि मुझे बुरी लग जाएगी? मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम्हारा रवैया ना कुछ ठीक नहीं है। किससे और कैसा रवैया? अरे मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूं, समीरा की। तो ऐसा बोलो ना। अरे यही तो कह रहा हूं मैं, तुम भी उसके साथ अगर इसी तरह सख्ती से पेश आई तो वो बेचारी क्या करेगी? देखो हैदर, वो इस घर में काम करती है और मैं उस काम के पैसे देती हूँ। अगर वो काम ठीक नहीं करेगी तो मैं उस पर गुस्सा तो करूंगी ना। वो इतनी बड़ी लड़की नहीं है, बच्चों से छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है ना। बात ये है कि मुझे नरगिस ने कहा था कि उससे ना सख्ती से पेश आना तो सही काम करेगी। अरे नरगिस कौन होती है तुम्हें हिदायत देने वाली? तुम्हारे पास अपनी अकल नहीं है कि किसके साथ किस तरह पेश आना चाहिए? अच्छा ना, गुस्सा तो मत करो, आइंदा ख्याल रखूंगी। वो इसलिए मासूम और यतीम बच्चों के साथ नरमी से पेश आने का हुक्म दिया गया है हमें। और अगर एक शख्स जालिम बन गया तो इसका ये मतलब नहीं कि उससे मिलने जुलने वाला हर शख्स वही अमल दोहराए, ना कि उस जुल्म से बाज रहने की हिदायत करे। अच्छा अच्छा, मैं कह तो रही हूँ आइंदा से ऐसा नहीं होगा। कह तो रही हूँ, नहीं करूँगी प्लीज। जी सर, जी सर, मैं अभी थोड़ी देर तक पहुंचता हूँ। ओके सर। कहाँ जा रहे हैं आप, अभी तो आए थे? डीएसपी साहब ने बुलाया। लेकिन हमें तो ज्वेलरी लेने जाना था ना, वहां कब जाएंगे फिर? चले जाएंगे ज्वेलर के पास, भी एक सेट ही तो उठाना है। लेकिन शम्स, मुझे कपड़े भी लेने थे, दर्जी को सीने के लिए दिए हुए। तुम तो अपने दोस्त से कपड़े बनवाती थी तो ये। लेकिन आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो टेलर को दिए मैंने कपड़े, तो उसी से उठाने। चले जाएंगे बाबा वहाँ पे, फिलहाल तो हो क्यों। अच्छा शम्स, आपको पता है फरीदा ने मासी रख ली है। तो इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है, हर घर में मासी होती है। लेकिन आपको ये पता है उसने किससे मासी रखा है? किसको रख लिया? अनम नहीं है जिसने खुदकुशी की है, उसकी छोटी बेटी को उसने मासी रखा है। वो तो अभी बहुत छोटी है। और सुना है उसका भाई भी कहीं जाता है काम करने। अल्लाह रहम करे, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहते उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। बस अल्लाह रहम करे उन पर। खैर मैं चलूं वरना क्लास हो जाएगी। ओके। नरगिस कहाँ है? आई अम्मा। नरगिस बोलो। मेरे तो अकेले हिम्मत नहीं हो रही अस्पताल जाने की, तू भी मेरे साथ चल। अरे अम्मा मैंने बोला था ना, वो सुनीता ने मुझे मना किया अस्पताल आने से, वो देख लेगी तो गुस्सा करेगी। तो तू बुर्का पहन लेना। तेरा दिमाग बहुत चलता है, ऐसा कर तू खुद ही चली जा, मैंने रोहान को लेके अयूब भाई की दुकान पर जाना है। अच्छा तो तू ऐसे कर, मुझे पता बता दे और वार्ड नंबर लिख दे। काम करना यहाँ से तू। समझ में नहीं आता मजीद पैसों का बंदोबस्त कैसे करूं। जब अहमर का एक्सीडेंट हुआ था तो एहसन भाई ने हमारी कितनी मदद की। आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एहसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बुरे वक्त में आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। अरे क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो, अहमर मेरे भाई का बेटा है, मैं साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा। हम बस अभी आते हैं। बैठो बैठो।
परेशान अपने ही काम आते हैं ना, ऐसा ना आगे सबसे ही हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। 2 लाख रुपए लाके खुद ही अस्पताल में जमा करवा दिए थे, आज अगर वो होते तो हमारे सारे मसले हल कर देते। ये मुझे क्या हो गया, मैं ऐसे भाई के बारे में क्यों सोच रही हूँ, तो वो इस दुनिया में ही नहीं। मैं मुनव्वर के ऑफिस फोन करती हूँ और उनके बॉस को बताती हूँ, वो हमारी कुछ तो मदद कर देंगे ना। मेरा शोहर बेजाब जैसा भी था लेकिन मेरे लिए कुछ छोड़ कर गया है। अब मैं इन पैसों से अपने बेटे रईस को कोई दूसरा कारोबार भी शुरू करवा सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, अम्मा से मशवरा करती हूँ कि इन पैसों का क्या करूँ, वो ही कोई अच्छा मशवरा देगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कहिए कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस मुनव्वर बोल रही हूँ। जी जी, कैसी है कंडीशन मुनव्वर साहब की? उनको अभी तक होश नहीं आए। ओ, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत दे। वो मुझे ना मुनव्वर के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने जमा करवा दिए। कितना अमाउंट चाहिए? 50,000 रुपये मैं जमा करवा चुकी, लेकिन अस्पताल वाले 2 लाख रुपये और मांग रहे। देखिए मुनव्वर, इलाज के लिए जो भी खर्च होगा वो सब ऑफिस पे करेगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको खुश रखे। मैं अकाउंट्स में कह देता हूँ, कल कोई भी आकर हॉस्पिटल वाले से बात कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ कीजिएगा मुनव्वर जल्द से एहतियाब हो जाए। डोंट वरी, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।